बंगाल में बहुत बुरे हैं हालात, मीडिया में नहीं है साहस सच दिखाने का। मालवा मिरर को यह बताया कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार और आज बांग्ला चैनल के एडिटर इन चीफ प्रभाकर रॉय ने। मालवा मिरर ने उनसे एक वर्चुअल इंटरव्यू किया और आज हमारे साथ कोलकाता वेस्ट बंगाल के एक चैनल आज बांग्ला के चीफ एडिटर हैं मिस्टर प्रभाकर रॉय। रॉय साहब, आपका स्वागत है हमारे इस मालवा मिरर के प्रोग्राम में। और हम आपसे, चूंकि आप पत्रकार हैं, हर चीज को बहुत करीब से देखते हैं और आपकी ज्यादा नजर है उन सब चीज घटनाओं पर जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल जल रहा है, पर असली बात आप ही बताएंगे क्योंकि आप वहां पर हैं। तो एक बात तो आपसे ये पूछनी थी कि क्या हाल है कोलकाता का और पूरे बंगाल का? देखिए, हाल तो ऐसा है कि जैसे महल है ऐसा भी नहीं है, पर अच्छा भी नहीं है, खराब है। बंगाल के ये जो राजनीति हिंसा है, ये सोचिए एक ट्रेडिशन है बंगाल के राजनीतिक हिंसा का, एक है। और इदानीम जो बात बढ़िया सा हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब तृणमूल के जो तृणमूल और बीजेपी जो आमने सामने है अभी, और कुछ मतलब बीजेपी का जो जीतने का आगे आगे बढ़ा है, जितना आगे बढ़ा है उतना जल्दी बढ़ गए बीजेपी। और ऐसा है कि इसीलिए हिंसा ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तृणमूल के जो लोग है, इस तृणमूल के हिंसा जो के लोग पीछे है, हाँ क्या बोले? ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग हिंसा कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट बोले तो हिंसा तो तृणमूल के ही लोग कर रहे हैं, तृणमूल के एक श्रेणी के। जैसे सोच लीजिए संख्यालघु जो बोल रहे हैं हम, इसके व्यवहार करके कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं, ये एकदम फर्स्ट बात है। और बंगाल के जो बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश के करीब बॉर्डर एरिया है, उधर ज्यादा हिंसा हो रहा है क्योंकि उधर डेमोग्राफिकली मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू में कम है, मेजोरिटी पर्सन मुस्लिम है। तो मेजोरिटी मुस्लिम होने के नाते हिंदुओं के ऊपर सोचिए, हिंदू वो लोग सोच रहे हैं कि हिंदू बीजेपी है, मुस्लिम तृणमूल है। तो अब ओहो, इसीलिए इसके ऊपर सोच लीजिए, तृणमूल को वोट दिया है हिंदू लोग, वो भी विक्टिम हो रहा है क्योंकि इतना ये हो गया है, पोलराइजेशन हुआ हुआ है कि मुस्लिम जो है वो समझ रहे हैं। और मुस्लिम को मतलब क्या बोले, कुछ नेता लोग जैसे सोचिए वो लोग इसको व्यवहार भी करते हैं कि उसके टाइप के व्यवहार करते हैं। और इसीलिए एक डेमोग्राफिकली चेंज हो गया है अब 10-20 साल से, और जान जिसके लिए ये हिंसा बहुत बढ़ गए हैं। राजनीतिक हिंसा तो नहीं है, हम कहूँ हम ये बात खुलकर बोलेंगे कि राजनीतिक हिंसा नहीं है, ये हिंसा एकदम पोलराइजेशन के हिंसा है, सांप्रदायिक सांप्रदायिक हिंसा है, ये हिंसा। कम्युनल है। हाँ, कम्युनल, एकदम कम्युनल। अच्छा ये बताइए आप कि जो डेमोग्राफी का चेंज का आप बता रहे हैं, और तो कोलकाता शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, कोलकाता शहर के देखिए, हम आपको एक उदाहरण के तहत बोल भी सकते हैं। सोच लीजिए हमारे इधर कोई कूड़ा वाला, आपका होता है ना कूड़ा वाला, वो जो लोग है, देखिए वो कबाड़े वाले बांग्ला कूड़ा जो लेते हैं ना, घर घर से कूड़ा मतलब उठा के ले जाते हैं, इस टाइप के लोग भी अभी कलकत्ता शहर में स्थानीय लोग नहीं है, मतलब हमारे बंगाल के लोग नहीं है, बांग्लादेशी है। जो बांग्लादेशी है वो इधर से आके रहता है और इधर ही आधार कार्ड बना लिया, इधर वोटर कार्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया। और ये राजनीतिक नेता जो है ये जानते भी है, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है कि हो तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये जानते भी है।
ये जो इस टाइप के लोग जो है ये क्राइम करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इधर से उधर चला जाएगा क्राइम करके। आप सुने हैं बंगाल में एक क्राइम हुआ था, वो ख्रिस्टान मिशनरी का धर्षण हुआ था, 80 साल का ख्रिस्टान मिशनरी का। तब तो वो बांग्लादेश से आए थे और आकर सब कुछ करके उधर चला गया। तो ये, हाँ, देश में हरकम मच गए थे उस केस के। उस केस के अभी कुछ नहीं हुए, मतलब जल के जल पानी। तो ये कलकत्ता शहर में अभी इतना परिस्थिति खराब नहीं है जितना बॉर्डर एरिया में। अच्छा रॉय साहब, एक बात और बताइए कि कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे आज बात हुई, उनके इंटरव्यू किए थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस के सामने ही सब कुछ हो रहा है और पुलिस रोक नहीं रही है। सही बात है क्या? ऐसा भी सच नहीं है कि पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस करने। देखिए पुलिस कितना है आप सोच लीजिए, 10,000 लोग आ रहा है तो 10 पुलिस है तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस को भी तो जान बचाना है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस मदद देता है, पुलिस सब कुछ सहनता है, ऐसा नहीं है। पुलिस एक्टिव है पर पुलिस का हाथ से छूट गया है, पुलिस के हाथ में ऊपर नहीं है। देखिए राजनीतिक प्रभाव जो है बंगाल में पुलिस के ऊपर, पुलिस कुछ नहीं कर सकते, आपको ये भी समझना है। एक नेता का ये आज देखिए, एक CPM था तब भी ये था, CPM जब थे तब भी ये थे, तृणमूल आए तब भी ये है, आगे BJP आएगा तब भी ये रहेगा। राजनीतिक तो मोटिव मतलब आगे पीछे चल रहा है ना, ये रहेगा। पर हिंसा बंगाल के छूट नहीं पाएगा, क्योंकि हिंसा बंगाल के रग रग में बन गए, ये छुटाना भी कम है। क्योंकि आप 10 साल 20 साल के निर्वाचन के जब खाते देखेंगे तो इस साल सबसे कम हिंसा हुआ है। इस साल क्यों हुआ है? क्योंकि इस साल वोट भी लोग दे सके, क्योंकि सेनाबाहिनी जो है ये CRPF के लोग रहे, इसीलिए दे सके। और ये देने के लिए ही ये वोट दिया है, इसीलिए ही इसको मारते ये लोग। ऐसा नहीं है कि पुराना राग नहीं है, ये नया राग है। मतलब आप वोट दिए क्यों? आप BJP इसी वार्ड में ज्यादा वोट पा गए तो हम जिस वार्ड में BJP की गेन कर गए और उसी वार्ड में झमेला बन गए। अब ये बताइए कि पत्रकार भी एक समाज का हिस्सा है, तो पत्रकार एज ए जर्नलिस्ट, एज एक समाज का हिस्सा, आप क्या चाहते हैं? आप राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इसको रोकेगी हिंसा को? नहीं, राज्य सरकार, देखिए एक बात स्पष्ट है, राज्य सरकार रोकना चाहते भी है या नहीं चाहते है इसके हाथ में नहीं है। राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसके एक रीजन है, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए हर आदमी हर बात लोकल इशू है, लोकल पोलराइज हुआ है। मतलब आप बॉर्डर के इतने करीब जो बात करते हैं, बॉर्डर देखिए हिंसा जो हो रहा है ना, मैक्सिमम हिंसा बॉर्डर में हो रहा है, बॉर्डर के आसपास में हो रहा है और एक मेदिनीपुर में हो रहा है, कुछ मेदिनीपुर के अलग, वो बॉर्डर के थोड़ा अलग है, वो उसका घटना का अलग है। ये जो बॉर्डर एरिया है दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नोदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरबंग के हार जिले, हार क्षेत्र जल रहा है। ये जल रहा है इसीलिए क्योंकि आप सोच लीजिए दक्षिण 24 परगना में, दक्षिण 24 परगना हर बांग्लादेश के बॉर्डर के ही कलकत्ता के नजदीक है पर भी बांग्लादेश के बॉर्डर के, तो उस वो जो एरिया है वो संख्यालघु जो मुस्लिम लोग बास करते हैं, बोलते हैं कि संख्यालघु है, उधर हिंदू संख्यालघु हो गए। तो हिंदू जब संख्यालघु हो गया तो ये तो डेमोग्राफिकली चेंज जब हो जाता है, इसका परिणाम कुछ
कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस जो है ये कर नहीं सकते क्योंकि राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है ये उसके हाथ में है, तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? नहीं, लगेगा नहीं, क्योंकि लगेगा नहीं कि दो रीजन आप सोच लीजिए, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा देश में हरकंप मच जाएगा, ये मोदी जी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बंगाल में लगाएगा तो सब जो विरोधी जो लोग हैं अभी तो सब ममता को गाल देता है, इधर वामपंथी लोग, ठीक है, वामपंथी लोग को लोगों को भी मार रहा है, ऐसा नहीं है कि वामपंथी लोगों को मार नहीं रहा है, ठीक है, वो कांग्रेस को भी मार रहा है, पर जब ये राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तब ये लोग सब इकट्ठा होकर क्या करेगा, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है कि इकट्ठा होकर तब हल्ला मचाएगा, इसीलिए हमारे सोच है कि इसीलिए राजनीतिक जो देखाफट है, मतलब राजनीतिक जो परिस्थिति है, ये अभी राष्ट्रपति शासन का परिवेश नहीं हुआ, ये हिंसा होगा, हिंसा आज थम नहीं जाएगा, हिंसा मतलब ये बीजेपी जो कर रहा है, बीजेपी जो कार्यकर्ता है इसको मार खाएगा, क्योंकि तृणमूल जो है ये मारेगा ही, और बीजेपी जितने क्षमता में नहीं आएगा वो 200-100 साल में 100 लोग मरेगा, ये छोटा बात है, अब सोच लीजिए देश में छोटा बात है, 100 लोग मर जाएगा, किसी को झूला देंगे, किसी को रुला देंगे, किसी को मर देंगे, कल हम भी मर खा सकता है, इसमें नया बात कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा वही लोग प्रेस की आजादी है आपके यहाँ, प्रेस की आजादी देखिए, प्रेस की आजादी बंगाल में तो नहीं, सोच लीजिए हम एक खबर करेंगे तो उल्टे दिन हमको फोन आ जाएगा, क्यों भाई क्यों खबर की है, और डर के मारे वो सब उन्नयन के शामिल हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए इधर के जो पेश के जो फ्रंट लाइन जो काम करता है, मतलब हम लोग तो छोटा छोटा मीडिया है, सोच लीजिए हम लोग छोटा ही है, इसके बड़े बड़े मीडिया माफिया है इधर, क्योंकि 4-5 सोच लीजिए अंबानी का जो ग्रुप का TV18 है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके जो चीफ एडिटर है वो ममता बनर्जी का एकदम करीबी है, ठीक है, ये अंबानी का बिजनेस पॉलिसी है, क्योंकि अंबानी का जियो लाइन इधर फेंकना है, ठीक है, तो अंबानी का बिजनेस पॉलिसी है कि TV18 जो है वो जो बोलेगा वो एकदम प्रो तृणमूल का काम, ये मीडिया का जो, क्योंकि आप सोच लीजिए महीने में 50 करोड़ रेवेन्यू सरकार देगा, सरकारी एड से आएगा, तो कौन मीडिया आपके विपक्ष बोलेंगे, एक तो मीडिया नहीं है जो आप सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे, एक तो मीडिया नहीं है, क्योंकि नहीं है, सारे महीने में आपको 50 करोड़ एड, आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे एड देते हैं, तो इधर आप सोच लीजिए जी न्यूज के सुभाष चंद्र बीजेपी का खास आदमी है, सोच लीजिए, क्योंकि वो बोलने का तो बहुत कुछ है, वो ऐसे देखता है देश आगे है, पर वो उसका जो मीडिया है वो उसको भी उसके चीफ एडिटर को जो बैठा है उसके इसको बिजनेस करना है ना, पुनीत अग्रवाल और सुभाष चंद्र को तो बिजनेस करना है, इसीलिए वो उसी को एडिटर बनाया है जो जो ममता बनर्जी का शूट करता है, एकदम परिष्कार, मीडिया का आजादी नाम से है, मीडिया का आजादी कुछ नहीं है, और देश में अलग राज्य में अलग ऐसे चल रहा है। आपके हिसाब से एक फाइनल एक लाइन में क्या सॉल्यूशन है ये हिंसा का जो अभी हो रही है, कैसे रुकेगी? देखिए बंगाल के हिंसा रुक नहीं सकते क्योंकि इधर राजनीति से ज्यादा अपना क्या कहता है, अपने को बचने के लिए, ठीक है, अपने को बचने के लिए दो
दो भाग में बंटवारा है, ठीक है, ये चलेगा, ये होगा नहीं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये अच्छा सा बढ़िया सा नहीं होगा तो हिंसा नहीं रुकेगा, कुछ नहीं होगा बंगाल में, बंगाल में कुछ नहीं होगा, जंगल राज रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग तो बंद हो गई, और सुना।